एयर इंडिया का पूरा सफरनामा, जेआरडी टाटा ने 1932 में पौधा लगाकर कैसे उसे सींचा। जेआरडी टाटा को एयर इंडिया की चेयरमैनशिप से हटाए जाने पर इंदिरा गांधी की 1978 में लिखी ऐतिहासिक चिट्ठी। क्या एयर इंडिया के महाराजा को घर वापस आकर मिल सकेगा आर्थिक बदहाली से छुटकारा। भारत में पैसेंजर्स फ्लाइट की उड़ान शुरू होने में अहम भूमिका निभाने वाला टाटा घराना एक बार फिर नेशनल कैरियर एयर इंडिया की कमान संभालने के लिए तैयार है। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक लेटर सुर्खियों में है। ये लेटर 1978 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से एयर इंडिया के फाउंडर जहांगीर रतनजी दादा बॉय यानी जेआरडी टाटा को लिखा गया था, जब उन्हें इस एयरलाइन के चेयरमैन पद से हटने के लिए मुरारजी देसाई की अगुवाई वाली तत्कालीन जनता पार्टी सरकार की ओर से कहा गया था। इससे पहले जेआरडी टाटा 25 साल से चेयरमैन पद पर बने आ रहे थे। ट्विटर पर इस लेटर को अपलोड करने के साथ रमेश ने लिखा, फरवरी 1978 में जेआरडी टाटा को एयर इंडिया के चेयरमैन पद से मुरारजी देसाई सरकार ने हटा दिया। इस पोजीशन पर वो मार्च 1953 से बने हुए थे। यहाँ पेश है उस वक्त सत्ता से बाहर इंदिरा गांधी और जेआरडी टाटा के बीच क्या संवाद हुआ था। ये चिट्ठी इंदिरा गांधी की हाथ से लिखी हुई थी। 1 फरवरी 1978 को तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार ने चेयरमैन जेआरडी टाटा को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। 1980 में कांग्रेस की केंद्र की सत्ता में वापसी हुई तो इंदिरा गांधी ने जेआरडी टाटा को दोनों बोर्ड में फिर बहाल कर दिया। हालांकि टाटा फिर चेयरमैन नहीं बने। इंदिरा गांधी और जेआरडी टाटा के बीच क्या संवाद हुआ ये जानने से पहले टाटा घराने और एयर इंडिया के जुड़ाव के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। जेआरडी टाटा ने 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की और उसका नाम टाटा एयरलाइंस रखा। 1946 में ये नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। देश के आजाद होने के बाद अक्टूबर 1947 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया इंटरनेशनल शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया। केंद्र को एयर इंडिया वेंचर में 49% हिस्सेदारी रखनी थी, जिसमें 2% अतिरिक्त हिस्सेदारी ले सकने का भी प्रावधान था। टाटा ग्रुप को इसमें 25% हिस्सेदारी मिलनी थी, बाकी हिस्सेदारी सार्वजनिक रहनी थी। इस प्रस्ताव को कुछ ही हफ्ते में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। 5 साल बाद नेहरू सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। 1953 में सरकार ने एयर इंडिया की बाकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2.8 करोड़ रुपए का भुगतान टाटा ग्रुप को किया। राष्ट्रीयकरण के बावजूद जेआरडी टाटा 1978 तक एयर इंडिया के 25 साल चेयरमैन बने रहे। अब बात करते हैं उस लेटर की जो इंदिरा गांधी ने 1978 में जेआरडी टाटा को लिखा था। उस लेटर में इंदिरा गांधी ने टाटा को चेयरमैन पद से हटाने के लिए तत्कालीन सरकार के फैसले पर दुख जताया और साथ ही एयर इंडिया को खड़ा करने में टाटा की कोशिशों की तारीफ की। इंदिरा गांधी ने लिखा, आप सिर्फ चेयरमैन ही नहीं थे बल्कि गहरी निजी तौर पर फिक्र रखने वाले फाउंडर और पालने पोसने वाले थे। आपकी यही विलक्षण देखभाल थी कि आप छोटी से छोटी बारीकियों जैसे कि सजावट, एयर होस्टेस की साड़ियों तक का ध्यान रखते थे। इसी सब ने एयर इंडिया को इंटरनेशनल स्तर पर असल में लिस्ट में टॉप तक पहुंचाया। हमें आप पर और एयरलाइन पर गर्व है। कोई भी आपसे ये संतोष नहीं छीन सकता और न ही इस संबंध में आपके प्रति सरकार के कर्ज को नीचा कर सकता है। इंदिरा गांधी ने लेटर में जेआरडी टाटा के साथ अतीत की अपनी कुछ गलत फहमियों का भी जिक्र किया। इंदिरा गांधी के मुताबिक उन्हें गहरे दबाव में काम करना पड़ता था और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी कुछ राइवलरी थी। करीब 2 हफ्ते बाद जेआरडी टाटा ने इंदिरा गांधी के लेटर का जवाब दिया। इसमें उन्होंने लिखा कि लेटर में एयरलाइंस को बनाने की अपनी कोशिशों को लेकर दिया गया उदार हवाला दिल को छूने वाला है। टाटा ने ये भी लिखा कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्हें वफादार और जोशीले सहयोगियों और स्टाफ का साथ मिला। साथ ही सरकार से मिले समर्थन का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि अगर वो नहीं होता तो वो अपने प्रयासों में थोड़ा ही हासिल कर सकते थे।
बहरहाल एयर इंडिया का महाराजा एक बार फिर अपने पुराने घर लौट रहा है। देखना होगा कि लंबे अरसे से वित्तीय परेशानियां झेल रहे फ्लाइट के इस महाराजा की दिक्कतें दूर हो पाती हैं या नहीं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।